खबर भिवानी के मामले में जहां दो लोगों के जिंदा जलने का मामला, राजस्थान पुलिस के खिलाफ महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस कर्मियों पर आरोपी की पत्नी ने आरोप लगाया, घर में घुसकर गर्भवती महिला से मारपीट का आरोप है। मारपीट के दौरान गर्भ में बच्चे की मौत हो गई, महिला यह आरोप लगा रही है। राजस्थान पुलिस आरोपी की तलाश में नूह पहुंची थी, लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर। पुलिस कर्मियों ने महिला के साथ मारपीट की, आरोपी की पत्नी महिला के साथ मारपीट की, जिससे गर्भ में पल रहे उसके बच्चे की मौत हो गई है। हमारे घर पर जी 30-40 लोग आए थे और फिर उन्होंने कुछ सिविल वर्दी में थे, कुछ ड्रेस में थे और उस पर राजस्थान पुलिस का लिखा हुआ था और उन्होंने आकर हमारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया और मारपिटाई भी की है, जिससे हमारी दीदी के पेट में लग गई। उनका नाम कमलेश है और उनके पेट में बच्चा था, जिसकी वजह से उनमें हाथापाई होने से उनको दिक्कत बन गई। फिर उन्हें सुबह बच्चे की मौत हो गई, ऑपरेशन दौरान उन्हें लेके गए। और भवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। भवर, आरोपी की पत्नी या फिर उनके परिवार वालों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं राजस्थान पुलिस पर, वो बहुत गंभीर है। राजस्थान पुलिस ने क्या इस पर अब तक कोई अपनी सफाई दी है? देखिए, राजस्थान पुलिस का रवैया किस तरह का रहता है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि राजस्थान पुलिस का फेलियर राजस्थान में जो होती है बड़ी घटनाएं उसमें कई बार सामने आया है, चाहे वो कहीं की भी घटना हो। लेकिन अब इस भरतपुर की घटना को लेकर जब टाइम्स नाउ नव भारत ने बात की है, एसपी से जब बात की है, तो उन्होंने पहले तो फोन नहीं उठाया और जब फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मेरा अखबार में वर्जन छप चुका है, मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, हम तो उनका घर भी नहीं जानते, आप हरियाणा पुलिस से बात करें। और उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। आईजी फोन उठा नहीं रहे हैं, गृह राज्य मंत्री को सुबह से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये पूरा जो रवैया है राजस्थान पुलिस का वो कहीं ना कहीं अफसोसजनक, चिंताजनक रहता है। अगर राजस्थान पुलिस सचेत होती तो उन दोनों लड़कों का यहां से अपहरण नहीं होता और आज वो जिंदा होते। राजस्थान पुलिस का जो रवैया है वो हमेशा ऐसी बड़ी घटनाओं में नकारात्मक ही रहता है, इसके परिणाम इस तरह की घटनाओं में सामने आते हैं जी। लेकिन भवर, जो आरोप लग रहे हैं ये सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई के दायरे में आते हैं और उस पर किस तरह से राजस्थान पुलिस पर कार्रवाई की जाती है, सवाल बड़ा है। बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, भिवानी में नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने के एक आरोपी रिंकू सैनी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अब रिंकू से पूछताछ कर दूसरे आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। इस केस में 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है, जबकि एक ही आरोपी को पुलिस गिरफ्तार अब तक कर पाई है। नासिर और जुनैद हत्याकांड को लेकर सियासत भी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और दावा किया कि कातिलों को अल्लाह सजा देगा। तो बड़ी खबर है जहां पर जुनैद और उसके साथ में जिसकी हत्या की गई उसके परिवार के लोगों से मुलाकात करने असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे, लेकिन एक ही शख्स अब तक गिरफ्तार किया गया है। 5 नामजद आरोपी हैं, एक शख्स गिरफ्तार किया गया जिसका नाम रिंकू सैनी है। बाकी आरोपियों को कब तक पकड़ेगी पुलिस, ये एक बहुत दुखद घटनाक्रम सामने आया था और उसके बाद अब सवाल लगातार पुलिस से पूछे जा रहे हैं। इन सबके बीच में कल भरतपुर में जुनैद के परिवार से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद ओवैसी ने हरियाणा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हरियाणा सरकार पर बदमाशों को खुली छूट देने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस पर अपराधियों से मिली भगत का भी आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया। जुनैद और नसीर को जो किडनैप किया गया था, उसी वक्त गोपालगंज पुलिस स्टेशन में जाकर इत्तला दी गई, कंप्लेन दी गई, अगर वो फौरन हरकत में आते तो शायद आज वो जिंदा रहते। अभी उनके परिवार के लोग हमको बता रहे थे कि फिरोजपुर झिरका का जो CI है, वहां की जो पुलिस है, वो तो पूरा इस गैंग के साथ मिली हुई है। और उनके परिवार के लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस गैंग ने जो 6 एक्यूज जो है, जिनको एलेज एक्यूज है, FIR में नाम है, वो इतना मारे जुनैद और नसीर को, ले जाकर पुलिस स्टेशन में जब उनको दिए तो पुलिस ने इनकार कर दिया उनको लेने से। तो उसके बाद वहां से 170 किलोमीटर दूर ले जाकर उनकी गाड़ी, जली हुई गाड़ी और जली हुई लाश मिली। आप बताइए कि फिर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? आखिर कब तक बीजेपी ऐसे गैंग्स की सरपरस्ती और उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज देगी? कितने लोगों को आप, कितने बच्चों को बेवा करेंगे, कितने बच्चों के टीम करेंगे? आखिर रूल ऑफ लॉ कहाँ है? और इस बीच बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस पर आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर है। राजस्थान पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो ये
कि उन्होंने महिला के साथ मारपीट की। महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि पुलिस कर्मियों ने घर में घुसकर मारपीट की। उसके बाद महिला चूंकि गर्भवती थी, उसके भ्रूण की हत्या भी हो गई है, बच्चे की मौत की बात सामने आई है। और ऐसे में राजस्थान पुलिस अब किस तरह से इस पर जवाबदेही अपनी तय करती है, यह सवाल बड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिवानी में दो लोगों के जिंदा जलने के मामले में यह बड़ा अपडेट। लगातार पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में कार्रवाई के नाम पर कैसे निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, इसकी बात निकलकर सामने आई, जहां पर आरोपी के पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई है। हमारे साथ प्रवीण जुड़ गए हैं, जो कि आरोपी श्रीकांत के चाचा हैं। प्रवीण जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या ये पूरा मामला था, हुआ क्या दरअसल वहां पर, कैसे राजस्थान पुलिस वहां पर आई, और जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? हो सकता है आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिवानी में दो लोगों के जिंदा जलने के मामले में राजस्थान पुलिस पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान पुलिस पर बड़े आरोप लग रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर। आरोपी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि घर में घुसकर मारपीट की गई। हमारे साथ भंवर पुष्पेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। भंवर, जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है या जो आरोप लग रहे हैं राजस्थान पुलिस पर, उस पर बिना जवाबदेही के निकल नहीं सकती राजस्थान पुलिस। एक तरफ तो आप अब तक सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर पाए, दूसरी तरफ आप कार्रवाई के नाम पर निर्दोष लोगों पर हाथ उठा रहे हैं, महिलाओं पर हाथ उठा रहे हैं। देखिए, राजस्थान पुलिस का रवैया, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिस तरीके से राजस्थान पुलिस कार्रवाई करती है, चाहे आप देखिए करौली की घटना ले लीजिए, आप उदयपुर की घटना ले लीजिए, राजस्थान की पुलिस थोड़ा देरी से जागती है और जागने के बाद अपने ही जो काम किए हुए हैं उनको लेकर दूर भागती है, खासतौर पर मीडिया से, और यही राजस्थान पुलिस के साथ हो रहा है। कोई जवाबदेही तय नहीं करती राजस्थान पुलिस। हाँ, कोई छोटा मोटा अगर चोर पकड़ लेते हैं तो अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन जब नकारात्मक हो जाती है कार्रवाइयों को करने में, तो उनके जवाब कुछ इस तरह के नकारात्मक ही आने लगते हैं कि आप देख करके सुन करके उनको सोच में पड़ जाएंगे। राजस्थान पुलिस फोन उठाना बंद कर देती है, राजस्थान पुलिस के अधिकारी फोन जब बात करते हैं, उनसे सवाल किया जाए तो फोन काट देते हैं, राजस्थान पुलिस के अधिकारी दूसरी पुलिस पर अपना पल्ला झाड़ने लगते हैं, जैसे कि राजस्थान पुलिस फिलहाल कह रही है कि हरियाणा पुलिस से बात कीजिए, हमसे क्यों बात कर रहे हैं, हम तो घर भी नहीं जानते, हमारे साथ तो हरियाणा पुलिस गई थी। लेकिन जब मारपीट करते हैं, बच्चे की मौत हो जाती है, इतना संगीन आरोप राजस्थान पुलिस पर लगता है, बावजूद उसके राजस्थान पुलिस की चुप्पी कहीं ना कहीं उसको सवालों के कटघरे में खड़ा करती है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि अपहरण हरियाणा से नहीं हुआ, अपहरण राजस्थान से हुआ, दिन दहाड़े हुआ। क्या राजस्थान पुलिस को यह पता नहीं लगा कि एक गाड़ी राजस्थान क्रॉस करके हरियाणा में प्रवेश कर रही है, जहां दो अपराध लोगों को ले जाया जा रहा है, और उसमें से जो एक व्यक्ति है जुनेद, उस पर तो 5 मामले दर्ज हैं गो हत्या के, गो तस्करी के मामले दर्ज हैं, उस पर 4,000 का इनाम पुलिस रखती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस मामले पर कार्रवाई करती है, क्योंकि केस दर्ज किया जा चुका है और केस